सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेजते हुए पाइप डालने का काम अपने आखिरी चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वक्त बाद 13 दिन में से फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी थोड़ी देर बाद उत्तर काशी से खुशखबरी आ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मलबे को भेदकर पाइप धकेलने के दौरान कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम मुसीबतों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। सिलक्यारा की तरफ से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी तरफ से 12 नवंबर को सुरंग धस गई और मलबा 60 मीटर तक फैल गया। इसीलिए सिलक्यारा की ओर से एक के पीछे एक जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। सुरंग में पहले 36 इंच चौड़े पाइप एक के पीछे एक जोड़कर मशीन से धकेले गए। इसके बाद 32 इंच के पाइप भी इसी तरह जोड़कर मलबे में डाले गए और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन मजदूरों को निकालने के लिए पाइप की सुरंग तैयार की जा सकी।